देशवासियों को प्रणाम, हरियाणा वासियों को प्रणाम। रामविलास शर्मा की बुद्धि सठियाई, रामविलास शर्मा के पास भ्रष्टाचार का काला धन ने उसकी आंखों पर पर्दा चढ़ा दिया। रामविलास शर्मा ने हरियाणा न्यूज पे इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में देश का गद्दार से गद्दार, देश का कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारी यशस्वी फौज के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता। रामविलास शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला है, अब जम्मू कश्मीर में पहले गाजर मूली की तरह फौजी कटते और मरते थे, ये हरियाणा का शिक्षा मंत्री रह लिया, आज तक जो भी देश के अंदर शहादत देता है वो अमर होता है, वो बलिदानी कहवाता है, और शहीद तो अमर होता है, मरता नहीं है। इसका जो ये भ्रष्टाचार के पैसे के गरूर ने इसकी आंखों पे पर्दा चढ़ा रखा है, ये हमारे देश के होनहार जवानों के, फौजियों के, जो देश की रक्षा करने वाले हैं उनके प्रति इसकी इतनी घटिया सोच है। अब जब भी देश की रक्षा सुरक्षा करते कोई भी जवान शहीद होता है, वो अमर होता है, वो बलिदानी होता है, शहीद कभी मरता नहीं। इसने जो ये शब्द किए हैं ये इसका बुद्धि का परिचय है। अब इसकी फौजियों के बारे में भी कितनी छोटी सोच है, ये देश की फौज का मनोबल तोड़ने वाला बयान है। भारत की फौज, यशस्वी फौज गाजर मूली नहीं है। अकोए काट देगा और मार देगा, इसकी सोच का इसने परिचय दिया है। अगर मैं देश के फौजियों के बारे में ऐसे शब्द बोलता हूं, ये भ्रष्टाचार ने अंधा कर दिया। देश की जनता और पार्टी इसके इस बयान का संज्ञान लिया जाए। हरियाणा न्यूज पर इसने इंटरव्यू दिया है और आज ही दिया है, इस बात का भारत सरकार ने और देश की फौज ने इससे संज्ञान लेके इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जो ये देश के यशस्वी फौजियों को गाजर मूली की तरह कटते थे, मरते शब्द बोलता है, इसका ये पता चलता है कि इसकी कितनी छोटी सोच है। ये देश के फौजी को कुछ नहीं समझता, ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं सोचता। पार्टी ने संग्रीला होटल दिल्ली में इसका भ्रष्टाचार पकड़ा था, पार्टी ने खुड्डा लाइन तो लगा रखा है, पर अब इसने अति कर दी देश के फौजियों के बारे में मरना शब्द कहके। फौजी कभी मरता नहीं है, फौजी बलिदानी होता है, अमर होता है, शहीद का दर्जा होता है, इसको घोर से घोर दंड मिलना चाहिए इस बात का।